ये घटना कब हुई थी? 6 तारीख को, 6 जुलाई को। इसीलिए ये धरना आप दे रही हैं? ये योगी सरकार से क्या कहना चाह रही है इस घटना के लिए? वही जो मौत, अरे जो बचे हुए वो भी गिरफ्तार हुए और जो और हमारी बाउंड्री हो, यानी ये जमीन का विवाद था। हाँ हाँ, जमीन का विवाद था। चलिए, आप कुछ बोल रही? मैं अजय प्रसाद की बहन दुर्गावती देवी हूँ और मेरे भाई को गांव के समंतों ने, दबंगों ने जमीन के, अपनी जमीन का घेराव कर रहे थे। उसी विषय में लोग कहा सुनी थोड़ा सा करके आगे से तैयारी किए थे मारने के लिए, वो फावड़ा से मार दिए। उस समय वो भाई गिर करके बेहोश हो गया, कोमा में चला गया और उन सबों को मैं सजा चाहती हूँ। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 1 लोग भागे हैं अभी, उसकी गिरफ्तारी प्रशासन नहीं कर रही है। और वो जमीन की नपाई 1-2 बार बहुत गलत ढंग से किए थे और प्रशासन के यहाँ दौड़ने के बाद जमीन की नपाई हुई है। उसके घेराव के लिए प्रशासन को हम बोल रहे हैं कि आप लोग आइए, घेराव हो, तो प्रशासन नहीं सुन रही है। अभी एक दबंग का पकड़ाया नहीं है, अभी एक दबंग जो घूम रहा है निराले में। वहाँ के दबंग लोग बहुत खुश हैं। जो व्यक्ति घायल है उनकी तबीयत कैसी है इस समय? जो घायल है उसका देहांत उसी दिन, एक ही दिन हो गया, उसी दिन हो गया, ट्रामा सेंटर में उसकी मौत हो गई। यहाँ के डीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? यहाँ के डीएम साहब से कहेंगे घटना को लेकर के कि जो उसका हत्यारा है उसको फांसी, एक जो इधर उधर है उसको पकड़ा जाए, और मेरे जो छोटा भाई है उसको पत्नी के लिए उसको आवास दिया जाए, एक नौकरी दिया जाए, उसके बच्चों का पालन पोषण हो और उसका पढ़ाई हो, और उसके लिए कुछ पैसा दिया जाए कि उससे 2 बच्चों का पालन पोषण कर सके, अपना जिंदगी यापन कर सके। सर, अपना परिचय फिर से बता दीजिए, घबरा गया था। मैं राहुल सिंह, सचिव स्वामी अतुला नगर। हाँ, आज ये कैसा कार्यक्रम था स्कूल में यहाँ? ये भारत विकास परिषद की सृजन शाखा द्वारा समूह गान, शाखा स्तरीय समूह गान प्रतियोगिता थी, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। किस किस स्कूल के बच्चे यहाँ सम्मिलित थे इस कार्यक्रम में? देखिए, मैं विद्यालय में अतिथि के रूप में था कार्यक्रम में, इसमें विद्यालयों के नाम तो मुझे नहीं मालूम, 3-4 विद्यालयों के नाम मालूम है। एक तो संत अतुला नगर कॉन्वेंट स्कूल था, गुरु नानक इंग्लिश स्कूल था, आर्य महिला विद्यालय था, तालिम संगीम स्कूल के बच्चे थे और जो और विद्यालय भी थे, मुझे नाम उनका नहीं याद है। चलिए सर, ठीक है। इसमें कितने बच्चे प्रतिभागी बने, इसमें क्या पुरस्कार दिया गया बच्चों को? 50 से अधिक बच्चे प्रतिभाग किए हैं और पुरस्कार के रूप में उनको ट्रॉफी दी गई है, सर्टिफिकेट दिया गया है। अभी शाखा स्तर का था, इसके बाद इसका स्तर बढ़ता जाएगा और बाद में ये भारत विकास परिषद प्रदेश स्तर तक इस कार्यक्रम को कराती है, राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। जो बच्चे हर इसमें जीतते जाएंगे शाखा के बाद, उनके प्रांत का होगा, प्रांत के बाद नगर का, नगर होगा, नगर के बाद प्रांत होगा, प्रांत के बाद क्षेत्र होगा, क्षेत्र के बाद प्रदेश के स्तर पर होगा। तो इस तरह से इसका ये स्तर बढ़ता जाएगा। इस कार्यक्रम के बारे में बच्चों को क्या प्रोत्साहन देना चाहेंगे आगे बढ़ने के लिए? बच्चे मेहनत करें, जो प्रथम आए हैं बहुत अच्छी बात है, उनको आगे जाने के लिए प्रयास करना है। जो द्वितीय तृतीय अन्य स्थानों पर आए हैं, जो कि प्रतियोगिता थी तो उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय दिया जाता है, लेकिन जो अन्य स्थान पर बच्चे आए हैं उनको उनके अंदर क्या कमी रह गई, इसको अपने शिक्षक से और जजेस से सीखें और आगे बढ़ें, और प्रतियोगिता में फिर जब अगले स्तर की प्रतियोगिता हो तो फिर प्रतिभाग करें, अगले वर्ष प्रतियोगिता हो तो फिर से प्रतिभाग करें। इन्हीं बातों का मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि हार में न जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही होगा। चलिए, धन्यवाद। हेलो, हाँ हाँ, आप ही कर, हाँ बस आ रहा है। आइए बीच बीच में आइए, फट अपना परिचय मैडम दे दीजिए। मैं भारत विकास परिषद से संध्या गुप्ता, महिला संयोजिका। ये आज कैसा कार्यक्रम मनाया गया है संत अतुला स्कूल में? आज ये हमारा
राष्ट्रीय समूह गान और गुरु वंदन छात्र वृंदन प्रोग्राम जो है मनाया गया है। इसमें हमारे अलग अलग स्कूलों से बच्चे आए थे और उन्होंने संस्कृत में और हिंदी में गाना जो है प्रस्तुत किया और बहुत ही भव्य प्रोग्राम रहा, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे जजेस डॉक्टर सॉरी सुकेसी जी और नहीं जजेस और सुकेसी जी और अजय रोशन जी एज ए जज यहाँ पे आए और उन्होंने बड़ा ही उचित निर्णय लिया, उनके लिए उनका आभार। कितने स्कूल के बच्चे यहाँ प्रतिभागी बने थे इस कार्यक्रम में? आज 4 स्कूल यहाँ पे प्रतिभागी बने। कितने बच्चों को इसमें शामिल थे, कितने बच्चों को पुरस्कार दिया गया? इसमें हमारे हर स्कूल से 8-8 बच्चे शामिल थे और सभी बच्चों को पुरस्कार मिला है, 1st, 2nd, 3rd और 57 पुरस्कार, तो सभी बच्चों को पुरस्कार यहाँ पे दिया गया। ये हर साल मनाया जाता है किसी साल में? हर साल होता है ये, हर साल होता है, जिससे कि हम अपने बच्चों को ये सिखा सकें कि गुरु की जो है वंदना करनी चाहिए। और हमारा जो राष्ट्रीय समूह गान है, हम अपनी संस्कृति को जो लोग भूल चुके हैं उसको बढ़ावा देने के लिए ये हर साल प्रोग्राम करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और हमारा जो एक राष्ट्रीय गान है हर तरीके का, जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे गुम होता जा रहा है, वो इसके माध्यम से आगे आएँ और प्रतिभागी बने और इसको और आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो इसके बारे में जाने और सीखे। धन्यवाद।